नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आप लोगों ने सोचा है कि जिस तरह से सभी के पेनिस के साइज अलग अलग होते हैं, उसी तरह कॉन्डम के साइज भी अलग अलग होने चाहिए। आप मान लीजिए कि आपके पेनिस का साइज 5 इंच है, किसी का 6 इंच है, किसी का 6.5 इंच है, या किसी का 5 इंच भी नहीं है, किसी का 4 इंच ही कॉन्डम पेनिस का साइज है, वो कौन सा कॉन्डम यूज़ करेगा? उसी का कॉन्डम यूज़ तो नहीं कर सकता जिसका 6 इंच है या 6.5 इंच है या 4.5 इंच है। सबका अलग अलग पेनिस के साइज़ हैं, तो उनके कॉन्डम के साइज़ भी अलग होने चाहिए। लेकिन ये तो किसी ने सोचा ही नहीं, इसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की। तो दोस्तों आज उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर भी देते रहते हैं और यूट्यूब पर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों कॉन्डम के बारे में बात करने से पहले ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्डम को यूज़ करना क्यों यूज़ करते हैं आप लोग, कॉन्डम को यूज़ करने का रीज़न क्या है। आप एक तो प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए अगर आप ऐसा कॉन्डम यूज़ करेंगे जो यूज़ करने के टाइम में आपका फट जाए या आपको परफेक्टली फिट नहीं करे, तो उसका यूज़ करने का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा कॉन्डम को यूज़ करने का रीज़न है HIV या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना। अगर आप उस डिजीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आपका कॉन्डम आपने परफेक्टली फिट नहीं पहना और कॉन्डम फट गया, तो आप उस डिजीज़ से भी नहीं बच पाएंगे। तीसरा कॉन्डम का यूज़ करने का रीज़न होता है एक्स्ट्रा प्लेजर। अब एक्स्ट्रा प्लेजर के लिए आप कॉन्डम यूज़ करते हैं, किसी ने डॉटेड लिया, किसी ने रिब्ड लिया, किसी ने सुपर थिन लिया, किसी ने एक्स्ट्रा टेक्स्चर्ड लिया, किसी ने एक्स्ट्रा टाइम लिया, तो तभी आप यूज़ करेंगे, तभी आप परफेक्टली उनको यूज़ कर पाएंगे जब आपको कॉन्डम फिट बैठेगा, जब आपको कॉन्डम का साइज़ अपने पेनिस के साइज़ से मैच कराएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों नॉर्मली कॉन्डम के साइज़ कंपनी ने, जैसे आपने मान लीजिए ड्यूरेक्स जो नंबर वन कंपनी है, इसका कॉन्डम का साइज़ आप देखेंगे, फोकस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका साइज़ है 180 mm इसकी लंबाई है और 53 ± 2 इसकी चौड़ाई है, मतलब मोटाई है, ग्रेथ बोलते हैं जिसको। तो आप देखिए 180 mm का मतलब होता है कि लगभग 7 इंच साइज़ है इस कॉन्डम का और इसकी मोटाई है 2 इंच के आसपास, 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। तो अगर आप मान लीजिए आपने कॉन्डम यूज़ किया ये, जिसका आपका पेनिस का साइज़ 5 इंच या उससे कम है या उसके आसपास है, और आपने 7 इंच का कॉन्डम ले लिया, तो आपको तो ये लूज़ रहने ही वाला है। अगर आपकी पेनिस की मोटाई मान लीजिए 1.5 इंच या 1.25 इंच है और आपने 2 इंच का कॉन्डम ले लिया, तब तो आपको लूज़ रहेगा ही, तब तो ये फटेगा ही फटेगा, तब तो आप इसको, इससे प्लेजर भी नहीं मिलेगा आपको और आप सेफ भी नहीं होंगे। तो दोस्तों कॉन्डम का साइज़ कौन सा लेना चाहिए? अब एक और कंपनी लेते हैं, कामासूत्रा, बहुत ज़्यादा कॉन्डम यूज़ होता है, लेकिन साइज़ क्या दिया उन्होंने, 180 mm और 53 ± 2। एक और कंपनी लेते हैं हम, मैनफोर्स, सबसे ज़्यादा बिकने वाले कॉन्डम्स की कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। साइज़ आप देखें, कोई लोग देखते ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो केमिस्ट के पास गए, आपने कॉन्डम मांगा, कॉन्डम लिया, आपने ये भी नहीं पूछा कि हमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो तो खैर बात बाद में करेंगे उसकी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साइज़ तो आपने सोचा ही नहीं कभी कि साइज़ के बारे में बात होगी। तो इसका साइज़ देखिए, वही 180 और 53 ± 2। अब मान लीजिए प्रीमियम रेंज के कॉन्डम पे आते हैं, मैनफोर्स ने नया कॉन्डम लॉन्च किया है, एक एपिक के नाम से प्रीमियम रेंज का कॉन्डम है, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉस्ट ज़्यादा देने का मतलब क्या है, जब आपने साइज़ वापस वही की वही दे दिया, आप अपना साइज़ ही मैच नहीं करा सकते। आपने तो कॉन्डम यूज़ करना है और फट जाना है, या फिर प्रेगनेंसी से बचना ही नहीं है आपने, स्कोर कॉन्डम, लेकिन साइज़ सेम के सेम। तो कौन सा कॉन्डम यूज़ करें, कैसे ढूंढें अपना कॉन्डम राइट साइज़ का कॉन्डम, क्योंकि केमिस्ट के पास जाके तो एक एक ब्रांड आप सर्च करने वाले नहीं है, ये कॉन्डम दे दो, वो कॉन्डम दे दो, उसका पीछे साइज़ देखने लगेंगे, पता लगा 10 लोग उसको देखते रहेंगे कि ये कॉन्डम देख रहा है, या केमिस्ट भी अलाउ नहीं करेगा आपको कि आप 10 ब्रांड देखें, उस पर साइज़ चेक करते रहें। तो आप खुद ही आपको पता होना चाहिए आपके लिए परफेक्ट कॉन्डम कौन सा है। तो मैं आपको रिसर्च करके लाया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, कोहिनूर पिंक कॉन्डम है जिस पर लिखा है परफेक्ट फिट। इस कॉन्डम का साइज़ आप देखेंगे बहुत ही परफेक्ट है, 170 mm, इसका मतलब 6.5 इंच का कॉन्डम है और 49 ± 2। 49 की जो ग्रेथ है वो इतनी अच्छी है, परफेक्टली फिट होती है। अगर आपका पेनिस मोटा है 2 इंच या 2.5 इंच, तो भी आपको बहुत परफेक्ट आएगी, तो भी आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा, तो भी आपका टाइमिंग बढ़ेगा इससे। तो आप परफेक्टली फिट कॉन्डम लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं एक और कॉन्डम बताता हूँ जिसके बारे में बात करता रहता हूँ, कैरेक्स कॉन्डम, मलेशिया का ब्रांड है, लेकिन इंडिया में ईजिली मिल जाता है। इसमें भी देखिए आप, इसका साइज़ तो और भी परफेक्ट है, 160 mm। 160 का मतलब ये तो 6 इंच का ही कॉन्डम है। अगर आपका पेनिस का साइज़ 5 इंच या उससे भी कम है, तो आपके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। इसकी मोटाई ज़रूर 2 इंच के आसपास है, 52 है, 53 नहीं है इसकी, 52 है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबाई इसकी परफेक्ट है। एक और कॉन्डम जो USA का ब्रांड है, आजकल इंडिया में मिल रहा है, स्किन के नाम से, इसका मेरे पास पुराना पैक पड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन
इसका साइज़ भी आप देखेंगे, इसका साइज़ भी बहुत परफेक्ट है। 170 mm की इसकी लंबाई है, मतलब 6.5 इंच, और इसकी मोटाई 49। तो 49 की मोटाई वाले कॉन्डम, 39 की ग्रेथ वाले कॉन्डम मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे रहते हैं, परफेक्टली फिट होते हैं। हालांकि आउट ऑफ इंडिया में, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 47, 48 और 49 सारे साइज़ के कॉन्डम ईजिली मिल जाते हैं, तो आप अपने परफेक्ट साइज़ के हिसाब से कॉन्डम चूज़ कर लेते हैं। इंडिया में ज़्यादा अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, अगर इंडिया में आप सर्च करें तो आप इस तरह से इन कॉन्डम्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं और आपको परफेक्टली फिट आ रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। दोस्तों देखते रहें हमारा चैनल, हमें फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।